આ વિડિયોને ગુજરાતીમાં જોવા માટે ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરો. નમસ્કાર, ગ્રીન કિચન મે આજ હમ બનાયેંગે પનીર કે મિની સમોસે, જિસે હમ બિલકુલ નયે તરીકે સે બનાયેંગે, જિસે બનાના બિલકુલ આસાન હે ઓર યે બહોત બહોત ટેસ્ટી લગતે હે. તો ચલિયે બનાતે હે પનીર કે મિની સમોસે. તો પનીર કે મિની સમોસે બનાને કે લિયે સબસે પહેલે હમ ઇસકા આટા ભૂન લેંગે. તો ઇસકે લિયે યહાં પે મેને 1.5 કપ મેદા લિયા હે, મેદા યાને કે ઓલ પર્પસ ફ્લોર. अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच जितना अजवाइन डालेंगे. अब हम इसमें तकरीबन एक बड़ा चम्मच जितना तेल डालेंगे. समोसे के आटे में तेल थोड़ा ज्यादा रहता है, इससे समोसे खस्ता बनते हैं. मिक्स कर लेंगे इसे. अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम सॉफ्ट आटा भून लेंगे. ध्यान रखें कि आटा नरम भी नहीं होना चाहिए और एकदम कड़क भी नहीं, बिल्कुल पराठे के आटे की तरह हम आटा भूनेंगे. तो ये देखिए, हमने 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से मसल कर मीडियम सॉफ्ट आटा भून लिया है. अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे और इस समय में हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेंगे. स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 1/4 कप हरी तूर के दाने लिए हैं. यहाँ पे मैंने हरी तूर के दाने को पानी के साथ 2 मिनट के लिए उबाल लिए हैं, इसका पानी दूर कर दिया है. इसकी जगह आप हरे मटर के दाने भी ले सकते हैं, तो इसे भी 2 मिनट के लिए पानी के साथ उबाल लीजिए. अब हम एक मसाला तैयार करेंगे. तो मसाला बनाने के लिए हम 3 लाल सूखी मिर्च लेंगे, जिसके डंठल हम दूर करेंगे. तकरीबन 3 चम्मच जितने साबुत धनिया लेंगे. आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे. इसे हम थोड़ी देर के लिए मॉइस्चर खत्म होने तक भून लेंगे. हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसकी नमी दूर करनी है. तो ये लीजिए, 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है. अब हम गैस बंद करेंगे और इसमें से पाउडर तैयार कर लेंगे. तो ये लीजिए, मसाले को हमने दलदला पीस लिया है. अब हम 2 छोटी चम्मच जितना तेल गर्म करेंगे. तो ये लीजिए, तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है. अब हम इसमें हरे तूर के दाने डाल देंगे, तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे. मिक्स कर लेंगे इसे. अब हम इसमें ये पनीर क्यूब डाल देंगे, मिला देंगे इसे. अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे. 1 से 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे. अब हम गैस बंद कर देंगे और ये स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे. तो हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है. तो एक बार हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे. अब हम समोसे तैयार कर लेते हैं. तो समोसे तैयार करने के लिए हम थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा लेंगे और समोसे बंद करने के लिए थोड़ा सा पानी लेंगे. अब हम इसमें से बड़ी बड़ी लोइयां तैयार करेंगे. मैं समोसे तैयार करने का आसान तरीका दिखा रही हूँ. तो इसके लिए हमें रोटी जैसी लोइयां तैयार करनी है. तो हमने 4 बड़ी लोइयां तैयार कर ली है. अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे. तो थोड़ा सा हम मैदा छिड़केंगे. अब हम थोड़ी सी मोटी रोटी बेल लेंगे. तो मैंने थोड़ी सी मोटी रोटी बना ली है. अब हम इसे कट करेंगे. यहाँ पे मैं इसे पानी के गिलास से कट कर रही हूँ. अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा कुकी कटर है तो आप इससे भी कट कर सकते हैं. छोटी छोटी पूरियां बेल ले, इससे भी समोसे हम अच्छे से बना लेंगे. तो अब हम समोसे बना लेते हैं. तो क्या करेंगे, अब ये छोटी पूरी को उठाएंगे, इसका एक हिस्सा ऐसे मोड़ देंगे, फिंगर की मदद से इसे दबा देंगे और इसे ये साइड में हम दबा के ज्वाइंट कर लेंगे. तो देखिए, ये छोटा कोन बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं. तो ये लीजिए, हमने ये छोटा सा कोन बना लिया है. इसे कट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं. अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे. तकरीबन 1 चम्मच जितना हम इसमें स्टफिंग फिल कर सकते हैं. अब हम इसे किनारे पर पानी लगा देंगे. अब हम इसे बंद कर देंगे.
तो ये देखिए हमने बिल्कुल आसानी से समोसा तैयार कर लिया है। तो इस तरह सारे समोसे हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने सारे मिनी समोसे तैयार कर लिए हैं। इसे मैंने थोड़ी देर पंखे में सुखा दिए हैं और इसकी साइड चेंज कर ली है। ऐसा करने से ये समोसे एकदम खस्ता बनेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो समोसे फ्राई करने के लिए हम मीडियम हीट पे तेल गर्म करेंगे और ध्यान रखें कि ये तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखे। तो लीजिए तेल गर्म हो गया है, अब हम समोसे फ्राई कर लेते हैं। हल्के आंच से हम इसे घुमा घुमा के फ्राई करेंगे ताकि ये चारों तरफ से एकदम परफेक्ट सिक जाए और इसमें ज्यादा बबल्स ना आए। दो से तीन बार हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये परफेक्ट फ्राई हो जाए। तो ये लीजिए समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे समोसे हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए हमने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है ये समोसे। तो तैयार है पनीर के मिनी समोसे।